तेरी खुशियों के खातिर ऐसा हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता आप मुझसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि मैं काफी दिनों से बाहर मतलब काफी दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो छोटा अन्न खट्टू सा ये बाबू हमारा रो रहा है। काके इधर देखो कैमरे में देखो बाबू देखो इसको भी कैमरे को पता। देखो कैमरे को देखते सारी चुप हो गए। तो आपको जब मैंने कैमरा नहीं पकड़ा था आपको वाजे पीछे से आ रही होगी कितना रो रहा था। नवे बताइए कितना रोता है। अभी देखो दोबारा मैंने इसे कैमरा दूर करा दोबारा रोने लग गया था। अब देखो कैमरा जैसे इसके पास आ रहा है चुप हो जा रहा है। और नवे आप क्या कहना चाहोगे आपको काके के पास बैठ के कैसा फील हो रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, भूख लग रही है कुछ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में मेरी बहन की शादी है और उसके लिए डेकोरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैं दिखाता हूँ बाहर जाके। ये देखो ये डेकोरेशन वाले भैया भी आ चुके हैं। ये हो रही डेकोरेशन यहाँ पे मतलब अभी स्टार्ट हुई है अभी अच्छे से भी थोड़ी देर में पूरी प्रॉपर हो जाएगी। ये देखो ऊपर ये डेकोरेशन हो रही है अभी थोड़ी देर में पूरी प्रॉपर हो जाएगी। ये भैया कर रहे हैं डेकोरेशन और चलो अंदर जाके दिखाता हूँ बाकी अंदर कौन कौन है। तो गाइस हमारे घर की हालत देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है। मतलब शादी के घर में ऐसे ही होता है सारी जगह बिखरे हुए कपड़े सारी जगह मतलब खिलेरा ही खिलेरा पड़ा हुआ। आप इससे मतलब जज ना करना कि घर में गंद पड़ रहता है। शादी के दिनों में ऐसे ही गंद पड़ा रहता है। ये देखो यहाँ पे भी कैसे सामान सुन बिखरा हुआ है। कल वो क्या कहते हैं बैंगल सेरेमनी थी और तो गाइस देखियो इसकी परसों शादी है और ये अभी तक काम कर रही है। देखो कितनी होनहार लड़की है मतलब आखिरी दिन तक अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही है। अब रोटी बना रही है पापा को बना के खिलाएगी और साथ के साथ मतलब दोनों काम कर रही है अपने हस्बैंड से भी बातें कर रही है और साथ के साथ रोटी भी बना रही है। देखो चलो गाइस अब आगे चलते हैं। अब गजल को भी छोड़ के ना और थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है। तो गजल भी अपना सामान पैक करके बस तैयार है। अब गजल को छोड़ने जा रहे हैं। तो गाइस बस हम गाड़ी में बैठ गए हैं अब बस गजल को छोड़ने जा रहे हैं और इसका भी नेल आर्ट का कोई काम कराना है। तो गाइस अभी हम आए थे भैया के पास प्रेस कराने के लिए। भैया ने साथ के साथ प्रेस करके दे दिया हमें। थैंक यू भैया। तो गाइस गजल को मैं बस स्टैंड पे छोड़ आया था। उसके बाद मेरे को ना मतलब किसी काम से मैं बाहर आ गया हूँ। मैं कालका पिंजौर की साइड हूँ। अब मतलब मैं रात तक ही घर पहुंचूंगा। मैं ये भैया आए हैं अभी हमारे पास सुबह से दिए हुए कपड़े और अब देने जा रहे हैं अब के। तो गाइस देखिए डेकोरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। रात का व्यू है सर आप। तो गाइस ये देखिए भूत हमारे घर में आ गया। ये आपको पहचान में बताओ कौन लग रहा है। और ये वीडियो को देख के बाहर चले गया। इनका नाम है सुरुचि जी और ये मेरी मासी के लड़के की बेटी है और ये थोड़ा शर्मा रही है वीडियो को देख के। और ये हमारी मासी जी है। मासी जी और ठीक ठाक पहुंच गए थे। कदो पहुंचे सी बजे। और ये मासी जी है और ये इनकी बहन है। ये भी मेरी मासी ही लगी मतलब कहने का मतलब यही है। ये मतलब दोनों पड़ोसी है। ये जंडियाला गुरु से है और ये फगवाड़ा से है और ये तो हमारे घर में रहते हैं। और भैया भी आए हैं। भैया क्या हाल है। भैया शर्मा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो को देख के पर भैया के हाथ में सफाई बहुत है। देखो कितने सफाई से काम कर रहे हैं। भाभी कैसा फील हो रहा है आपके घर पे शादी है। ये नहीं शर्माते इनकी टेंशन ना लो। इनके पास तो एक एक का जवाब है। क्या करूं अपने देवर पे गई हूं। वो ब्लॉगर है तो हम भी थोड़े थोड़े ब्लॉगर बन गए हैं उसके साथ। बस हम मेरे को डर लगता है इनकी वीडियो बनाते क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज्यादा ही कांड हो गया था। और मासी ठीक हो। हाँ ठीक। ये भाभी भी बस काम कर रही है थोड़ा। हेलो वो ब्लॉग बन रहा है। तो गाइस देखिए लॉक कर दिया। ब्लॉग के नाम पे डरते हैं सब भूत बने हुए हैं। ये थोड़ा ज्यादा शर्मा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं दूर दूर से है दिल्ली से मैडम बुलाई है मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको भी किसी ने कोई काम कराना हो घर पे बुला के तो मैम का नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है कॉल करके बता सकते हैं। ऑर्डर के लिए मतलब आप थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लगे कोई दिक्कत नहीं पर सफाई बहुत है हाथों में। देखो हाथों में सफाई है तभी हाथों की सफाई पैरों में से निकल रही है। देखो गाइस ये एक और शेर हमारा घर में आया है। इसको आए हुए 3 महीने ही आया है और इसने 25-25, 50-50 सालों वालों की ऐसी तैसी कर दी है। ये देखो सारों को परेशान कर रखा है वाह वाह करके। तो गाइस एक एक करके आपको हर एक की मेहंदी दिखाऊंगा। आप गैस कर सकते हो ये किसकी मेहंदी है। कर लिया गैस। ये देखो ये भाभी की है। हेलो गाइस एक एक करके सारों के फेशियल हो रहे हैं। देखो मन्नी की बारी है। मन्नी करवा रहा है पिछले 2 घंटे से लगे हैं। और हाँ मम्मी मम्मी की आवाज आई आपको गाइस सुन लीजिए जी। गाइज यहाँ पे पैकिंग हो रही है कल के लिए। कल जो सामान साथ में लेके जाना है ये सारे लगे हुए हैं। अभी पैकिंग करके बस पैक करके रख देंगे और फिर हम थोड़ा सा सो देंगे क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रात को मैं मतलब
रात के 3 बजे सोया था और सुबह 7 बजे उठ भी गया था, तो उस वजह से थोड़ा दिमाग भी ठंडा हो रहा है, ठंडा नहीं अलग गर्म हो रहा है। बाकी आप लाइक करो इस वीडियो को। आज के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ है आस्था और मेरी भाभी, मतलब इसी रूम की वो बात थी जो हुई थी पिछले व्लॉग में, उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना ही बंद कर दिया। और आज हमारे घर में शादी, आज देखो सारों ने येलो पा रखा है क्योंकि अभी हल्दी का टाइम है। अब सारे नीचे रेडी हो चुके हैं, इनको मैं बुलाने आऊँ की जल्दी जल्दी आगे खाना वाना खा के हम नीचे चलते हैं और बाकी आपको दिखाता हूँ डॉल। हाँ डांस करेंगे अब बढ़िया। तेरी खुशियों के खातिर सारे जग से लड़ जा है मेरी यही आरज़ू। It's so pretty.